केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला ने 74वां स्थापना दिवस शुक्रवार मनाया। इस अवसर पर आलू की उन्नत किस्मों व उन्नत तकनीक को भी किसानों को समर्पित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के निदेशक ने संस्थान द्वारा किए जा रहे अनुसंधान कार्यों व अब तक की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। वहीं केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के स्थापना दिवस के मौके पर लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया गया। वहीं समारोह के दौरान मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों द्वारा संस्थान के कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। सर, इस पे हमने सबसे पहले तो किसानों को करीब 300 के करीब किसान हमारे कैंपस पे आए हैं और इसके लिए हमने किसानों के लिए प्रदर्शनी भी लगाई है, जिसमें हमारे संस्थान द्वारा उन्नत तकनीक उनका प्रदर्शन किया है। न केवल CPRI शिमला द्वारा बल्कि ICR की जो संस्थान है यहाँ पर, जैसे गेहूं एवं बारले पर भी एक संस्थान है, उसका NBPGR एक संस्थान है, उसका जो क्षेत्रीय कार्यालय है उनके भी वैज्ञानिक, और इसी प्रकार IFCO और ड्रोन टेक्नोलॉजी खासतौर से एक विशेष आकर्षण है यहाँ के किसानों के लिए। ये तो हुआ तकनीकी के क्षेत्र में। इसी प्रकार हम उनको एक जो किसानियत से जुड़ी सामग्री है, जैसे खाद है, कुछ सैंपल बीज के भी हम उनको देंगे उनके बारे में, और स्प्रेयर, ये चीज़ें हम उनको दे रहे हैं चुनिंदा किसानों को। और न केवल इतना बल्कि जो हमारे रीजनल स्टेशंस हैं, 6 रीजनल स्टेशन हैं CPRI के, उनके माध्यम से भी हमने जो उत्कृष्ट किसान हैं रेस्पेक्टिव रीजन में उनको नामित किया गया इसमें, उनको ऑनलाइन मोड से सम्मानित किया गया और उनके सर्टिफिकेट वहाँ भिजवाएंगे। जहाँ तक हमारे किसान दिवस के अलावा 74वें स्थापना दिवस की बात है, इस मौके पर हमने अपने नोनी विश्वविद्यालय से, वहाँ के कुलपति जी हमारे चीफ गेस्ट रहे और इस पूरे फंक्शन को ICR स्तर पर ADG महोदय जो बागवानी को देखते हैं, सुधाकर पांडे जी, उन्होंने इसको प्रिजाइड किया। और संस्थान में जो कार्यकलाप न केवल साइंस और प्रशासनिक तौर पर होते हैं, बल्कि जिन वैज्ञानिकों ने बेस्ट वर्कर का अवार्ड लिया, जो चाहे तकनीकी ग्रुप से रहे चाहे फोर्थ क्लास से रहे, उनको भी सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, हमारे संस्थान का इस बार खेलकूद प्रतियोगिता में भी काफ़ी अच्छा स्थान रहा, नॉर्थ जोन में दूसरे स्तर पर ये स्थान रहा, तो उनको भी सम्मानित किया गया। इस प्रकार हमारा संस्थान जो ICR है उसके अंदर इवेल्युएशन जो की गई उसमें 8वें स्थान पर, और यदि हॉर्टिकल्चर वाले संस्थानों में देखें तो हम देश भर में दूसरे स्थान पर रहे। इसके लिए हमें जो ADG महोदय हैं उनसे प्रेरणादायक काफ़ी शब्द मिले, उन्होंने आशा की कि न केवल हम अपनी दूसरी स्थान की पोजीशन को बनाए रखेंगे बल्कि पहले स्थान का हम प्रयास करेंगे, और वो तभी संभव है जब हम जैसा आवश्यकता है आज के तारीख में, किसान की आय को भी बढ़ाना है और हमें अपने रिसोर्सेज को भी संजो के रखना है, इसके लिए हमें उसी प्रकार की प्रजातियां विकसित करनी होगी। नई प्रजातियां विकसित करने के साथ साथ जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं उनको हमें कम करना होगा, और जो नई पद्धतियां हैं इसमें बीज को नया बनाने की, उस जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग है, उन पर भी हमारा फ्रंट लाइन रिसर्च चला हुआ है, तो उसके लिए हमें मार्गदर्शन हमारे सुधाकर पांडे जी जो चीफ गेस्ट जो प्रेजिडाइड किया है हमारे फंक्शन को उनसे मिले, उसके लिए हम कार्यरत हैं। और ख़ास तौर से जो नौनी विश्वविद्यालय से आए कुलपति जी हैं, उन्होंने जो साझा कार्यक्रम इस हिमालय रीजन के लिए आलू अनुसंधान संस्थान के साथ हो सकते हैं उनको हमने बिंदुवार नोट किया है, और मेरा मानना है कि वह विश्वविद्यालय और हमारा अनुसंधान संस्थान ये मिलकर कुछ नए कार्य करेंगे, जिससे कि नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग, इन दोनों की दिशा में भी हम कुछ नए आयाम करेंगे। कुछ मॉडल, इस तरीके के मॉडल किसान हम जरूर खेतों पर प्रदर्शन लगाएंगे, जिसके तहत आलू का समावेश उसमें हो सके। जहाँ तक आने वाले समय में 2050 तक हमारी प्रोडक्टिविटी की बात है, आज की तारीख में हमारे पास
24 टन प्रति हेक्टेयर की हमारी आलू की उत्पादकता है, इसको हमें अपनी ही पॉपुलेशन को 2050 तक फीड करने के लिए ये उत्पादकता 24 से बढ़ाकर 35 टन प्रति हेक्टेयर लेने लानी होगी।